वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं कि बिलावल नवाज शरीफ की इयादत ज़रूर करें, किसी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर रिपोर्ट करेंगे इखलाक अहमद बाजवा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी और सूबाई वज़ीर अजमल चीमा का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा। वज़ीरा ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। फवाद चौधरी का कहना था कि बिलावल को नवाज शरीफ की इयादत जरूर करनी चाहिए, नून लीग का एक तबका सेहत पर सियासत करना चाह रहा है। दोनों अपोजिशन में पहले ही इकट्ठे हैं और अपोजिशन में PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो एक अलायंस में बैठी हुई है। अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनको ज़रूर जाना चाहिए और नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनका पता करने में क्या है। लेकिन नून लीग के अंदर अब एक तबका ज़रूर है जो नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करना चाह रहा है और उसको फ़ायदा मिलता है, वो पॉलिटिकल लेवरेज लेना चाह रहा है। मेरा ये ख्याल है कि किसी की भी जो बीमारी है उसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका साथ हों चाहे आपके मुखालिफ हों। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के अमन के बयानिए को पूरी दुनिया की हमायत हासिल है, खेल और सियासत को इकट्ठा ना किया जाए। ICC भारत की क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाए। कल इंडियन क्रिकेट टीम का मामला था कि वो जो कैप्स पहन के उन्होंने मैच खेला उसको ICC से साथ उठाने का फैसला किया है। क्रिकेट को स्पोर्ट्स से दूर रखे और ICC को फौरी तौर के ऊपर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को बैन करना चाहिए अगले मैचेस में। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना था कि हमने दिसंबर से ही कहना शुरू कर दिया था कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करेगा। इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़।